हेलो गाइस, तो कैसे हो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की जो ये वीडियो है ये इतनी ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली है दैट आपको यकीन नहीं होने वाला है, अनबिलीवेबली वाला मोडपैक लगने वाला है। और इस ग्राफिक्स मोडपैक के अंदर आपको माइकल का घर देखने के लिए मिलने वाला है, फ्रैंकलिन का घर देखने के लिए मिलने वाला है, और उसके साथ में वहाँ पर आपको फ़ोन देखने मिलने वाला है। उसके अलावा आप गन चेंज कर सकते हो, GT5 का गन सेलेक्टर देखने के लिए मिलने वाला है, ट्रांसपेरेंट बटन देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ मैं आपको इस मोड पैक के साथ में कुछ स्क्रीनशॉट मिलेंगे जिसमें आपको लोकेशन रिवील की जाएगी माइकल के हाउस के बारे में एंड फ्रैंकलिन के हाउस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। ये जो ग्राफिक्स मोड पैक है दैट GTA 5 अल्टीमेट ग्राफिक्स मोड पैक, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स के साथ में अल्टीमेट कार्ड्स प्लस उसके अलावा GTA 5 की सुपर्स कार्ड, GTA 5 की प्रीमियम कार्ड, GTA 5 की नॉर्मल कार्ड्स से लेकर के हर एक चीज़ GTA 5 में यहाँ पे आपको जो है इस मोड पैक के अंदर मिल जाती है। चौप भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और GTA 5 के अंदर जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी लाइक टेक्सचर्स होते हैं, सिमिलर टेक्सचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेन चौंका देने वाली बात यह है दैट यहाँ पे आपको माइकल का हाउस देखने के लिए मिल रहा है, और वो भी एकदम कंप्लीट। और उसके अलावा फ्रैंकलिन का भी हाउस जो कि पूरा कंप्लीट है A to Z, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी बेस्ट GTA 5 मोडपैक। और ये जो मोडपैक है ये बनाया है वो है उजंग अजून, तो उन्होंने ये वाला जो मोडपैक है ये क्रिएट किया है। एंड आई डोंट बिलीव दैट यार ये इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है, इतना ज़्यादा ऑसम। हर एक चीज़ जो GTA 5 के माइकल के हाउस के अंदर होती है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ी बहुत सिमिलर फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा छूबेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑसम है सीरियसली। मतलब ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि दैट GTA San Andreas के अंदर माइकल का हाउस है और उसके बाद में आपको फ्रैंकलिन का भी हाउस है। ट्रेवर का हाउस नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको और भी GTA 5 की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लाइक आपको GTA 5 के जो एनिमल्स होते हैं, जो आपको फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं GTA 5 के कुछ मिशंस भी होते हैं बेसिकली, तो इस वाले मोडपैक के अंदर भी सेम वैसा होने वाला है। अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, और जो कि GTA 5 में दिखते ही थे तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। साउंड क्वालिटी इट्स वेरी ओपी। साउंड का जो पैक बंदे ने डाला है बहुत ऑसम है, बहुत ज़्यादा HD और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत एक्यूरेट है। आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। साउंड से भी इफ़ यू वियरिंग ईयरफोन पहन करके गेम खेलोगे तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है, छुबेगी नहीं। हाँ, लेकिन गाड़ी जब चलाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है, तो बेस उस सिचुएशन में कम कर देना। बाय द वे, यहाँ पे जो कार्ड्स देखने के लिए मिलने वाली है अनबिलीवेबल कार्ड्स है। लाइक मैं बिलीव नहीं कर पाया दैट इतनी अच्छी कार्ड्स कैसे हो सकती है। GTA 5 की कॉपी लग रही है। GTA 5 के अंदर जो कार्ड्स होती है उससे भी एडवांस कार्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है, और यकीन नहीं हो रहा है दैट ये GTA San Andreas का इतना अच्छा मोडपैक। और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ही कम है, और ये लो एंड डिवाइसेस के लिए भी सपोर्टेड है इजीली, वहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स को लो कर सकते हो। ये जो मोडपैक है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया। एंड गाइज, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे दैट अभी तक इसका इंस्टॉलेशन कहाँ है या फिर किस तरीके से इंस्टॉल करना है, डाउनलोडिंग वगैरह वगैरह। सो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं अभी कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ। एंड डाउनलोड लिंक की बात आती है तो डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट बिफोर यहाँ पे आप वीडियो वॉच कर लो। इंस्टॉलेशन पार्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उसके अंदर आपको पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, और उसके अलावा आपको जो है कहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, का कॉपी करना है, ठीक है, क्या रीनेम करना है, क्या रीनेम नहीं करना है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, तो वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो ये जो वीडियो के अंदर ये आप यहाँ पे देख रहे हो अभी गेम प्ले में, ये जो हमारा फ्रैंकलिन है यार, इसका जो हाउस है वो इतना ज़्यादा ओपी लगा है ना, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा ओपी लगा है। जो रियल GTA 5 में होता है वो भी बहुत ज़्यादा ओपी होता है, लेकिन इसके अंदर भी वही ओपी लग रही है। बस यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शंस नहीं है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होंगे यार, क्योंकि ये GTA 5 तो है नहीं। दिस इज अ GTA San Andreas एंड दिस इज अ GTA San Andreas मोड पैक ऑब्वियसली। सो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक आपको टेक्सचर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, बट उसके अलावा जितना हो सकता था बंदे ने उतनी कोशिश करी है और उतना इसको ब्यूटीफुल बनाया है। और ये एक पूरा का पूरा फीलिंग देता है दैट अगर आप GTA 5 खेलते हो तो आपको पता लगेगा दैट आप ये जो मोड पैक है ये ट्राई करोगे तो कितना ज़्यादा आपको ऑसम लगेगा। और GTA 5 वाले जो यूजर्स होते हैं, पर्सनली मैं GTA 5 काफ़ी खेल चुका हूँ तो मुझे पता है कि GTA 5 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेक्सचर्स हैं और कौन कौन सी जगह है।
कौन कौन सी जगह बेस्ट है, कौन कौन सी जगह पे कितने रिफ्लेक्शंस आते हैं, तो ये जो है मैं फील कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे वही वही फीलिंग्स आ रही थी। एंड मुझे यहाँ पे देख करके बस एक ही चीज़ की कमी लगी है, वो है दैट यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शंस है वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यार ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन कैसे होंगे जब ये एक मॉड पैक है। लेकिन जितना हो सकता बंदे ने 100% अपना दिया है और इस मॉड पैक को क्रिएट किया है, एंड आई डोंट बिलीव दैट इतना औसम मॉड पैक इसने क्रिएट किया है। एंड मुझे लगता है दैट ये आपको डाउनलोड करना चाहिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट ग्राफिक्स मोड पैक एवर अभी तक का GTA 5 का, क्योंकि GTA 5 के ग्राफिक्स मोड पैक मैं बहुत ही कम अपलोड करता हूँ। जब भी रहता है अपना ग्राफिक्स मोड पैक का, तो जो है नॉर्मल कंटेंट्स आते हैं, नॉर्मल ग्राफिक्स मोड पैक आते हैं, अल्टीमेट ग्राफिक्स मोड पैक्स आते हैं। बट यहाँ पे GTA 5 का ये ग्राफिक्स मोड पैक काफ़ी टाइम बाद में अपलोड कर रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक यार ये इतना ज़्यादा ग्राफिक अच्छा वाला मोड पैक होने वाला है। एंड इसमें ग्राफिक्स के साथ में ऐसे ऐसे अल्टीमेट लेम्बोर्गिनी और उसके बाद में फरारी और प्रीमियम कार्स, प्लस यहाँ पे नॉर्मल कार्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। इंडियन कार्स भी आपको इसमें अवेलेबल है थोड़ी बहुत। तो आई डोंट बिलीव दैट यार इतना ज़्यादा औसम मोड पैक कैसे हो सकता है ये। एंड उसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जो टैक्सी है, जो ऑटो है बेसिकली, वो भी आपको सेम GTA 5 का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लाइक न्यू गेम करते हो, ठीक है, न्यू गेम पे स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पूरा ही अलग फीलिंग आती है। दैट वहाँ पे आपके जो टेक्सचर से पूरे चेंज हो जाते हैं, पूरे ट्रीज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाते हैं। एंड उसके बाद में लाइक जो बैकग्राउंड का जो चीज़ें होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। एंड इट वॉज लाइक GTA 5 की तरह ये लगता है। एंड आई डोंट बिलीव दैट यार ये कैसे हो सकता है। एंड ऑल्सो यू डोंट बिलीव आफ्टर डाउनलोडिंग दिस मोड पैक ऑन योर फोन, बहुत ही कम साइज रहेगा और काफ़ी सारे डिवाइस में सपोर्ट करेगा ऑलमोस्ट। और एक बात, अगर ये मोड क्रैश करता है तो आपको पता है दैट आप मेरी जो है मोड क्रैश वाली वीडियो देख सकते हो। मैं 3 से 4 वीडियोज बना चुका हूँ अपने चैनल पर क्रैश को लेकर के, लैग को लेकर के। अगर आप वो वीडियो वॉच कर ले तो आपका कोई भी जो मोड पैक है वो क्रैश नहीं होगा, लैग नहीं होगा, ठीक है। ये जो इंस्टॉलेशन मैं दिखाने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी देन यूर गेम विल बी क्रैश। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये लास्ट का प्रोसेस रहेगा जो आपको करना रहेगा, और ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको वॉच करना है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, अगर गेम क्रैश करता है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको कमेंट में हेल्प कर दूंगा थोड़ी बहुत क्या दिक्कत आ रही है। और ज़्यादा डीप में क्रैश हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो ज़्यादातर मोड पैक्स होते हैं मैं ऑलरेडी टेस्ट करके देता हूँ, तो कोई भी मोड पैक ऐसा नहीं है दैट वो क्रैश हो जाएगा डाउनलोड करते या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर फ़ोन देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था पहले, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी एड करा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली। एंड गाइस अब बातें तो काफ़ी हो गई है, आपने काफ़ी गेम प्ले देख भी लिया है इसी बहाने, तो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन में देख लो क्या क्या चीज़ें, फिर आप भी इसको अपने फ़ोन में खेलो, ठीक है। सो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। बस ये हो गया गाइज, इतना इंस्टॉलेशन था। जैसे ही आप अपना गेम ओपन करोगे उसके बाद में आप यहाँ पे जो है कैरेक्टर वगैरह चेंज कर सकते हो, आपका जो गेम है पूरा प्रॉपरली रेडी हो चुका है गाइज। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट और उसे सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर एक्सट्रीम मोटिवेशन। एंड यही एक मेन चीज़ होती है एक यूट्यूबर के लिए, दैट वो इन फ्यूचर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स अपलोड कर पाता है। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, एंड आप ज़रूर शेयर करोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब नॉर्मल आप ज़रूर करोगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।